किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए गठित आयोग का हिंदू महासभा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सौंपा ज्ञापन। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में किसान आयोग के गठन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। इस क्रम में प्रदेश की राजधानी के जिला मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अंकेश सिंह चौहान, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, सिद्धार्थ दुबे प्रदेश महामंत्री, हरिओम मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश मिश्रा एडवोकेट, राजेश रूबी श्रीवास्तव, हर्षिका जायसवाल प्रदेश मंत्री, नीरज शुक्ला जिला अध्यक्ष लखनऊ, प्रकाश श्रीवास्तव महानगर अध्यक्ष लखनऊ, गोपी किशन श्रमिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रमौली शुक्ला महानगर लखनऊ महामंत्री सहित दर्जनों लोग पहुंचे जिला मुख्यालय और किसान आयोग को बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया, देश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हालात ये, किसान आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांग उठाई गई, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए किसान आयोग का गठन जल्द से जल्द हो और इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल की जाए। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय लोग डीएम कार्यालय में, जहाँ पे हमारे पीछे आप भारी भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग यहाँ पे आए हुए हैं डीएम कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने के लिए किसान आयोग के गठन के लिए। तो क्या कहा गया है उनसे बात करेंगे और किस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया इसके बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है सर। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज जो है किसान आयोग के गठन के लिए लगभग उत्तर प्रदेश के 60 जिलों से 65 जिलों में ज्ञापन दिया गया है। सभी हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं वो डीएम कार्यालय पहुंच चुके हैं। कई जगह से न्यूज़ भी आ चुकी है कि ज्ञापन प्राप्त हो चुका, डीएम साहब को दे चुके हैं और उसी क्रम में यहाँ भी लखनऊ में जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। किसान डीएम साहब मिले कि नहीं मिले? डीएम साहब नहीं, एसीएफ साहब से मुलाकात हुई, वो आकर के सिटी मजिस्ट्रेट जी वो ज्ञापन लेके गए और उन जो मुख्यमंत्री जी को नाम संबोधित ज्ञापन है वो वहाँ तक पहुँचाने का वादा किया है। क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि ज्ञापन को मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँचाऊंगा और जो भी उचित कार्रवाई हो उसे की जाएगी। तो आप लोग पिछले 5 सालों से किसान आयोग के गठन के लिए मांग कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं हुआ, अगर आगे भी नहीं होता तो क्या रणनीति? ऐसा है कि आज धीरे धीरे करके आंदोलन मेरा सक्रिय रूप में होता चला जा रहा है। आज जैसे कि सभी जिला अध्यक्ष हमारे लगभग 60 से 65 जिला अध्यक्ष यूपी में, सभी जिलों में हरदोई हो गया है हमारा, आजमगढ़ हो गया है, गोरखपुर हो गया है, इसी प्रकार में कई ऐसे जिला हैं जहां पे ज्ञापन प्राप्त हो चुका है। ये एक कार्यक्रम सुयोजित ढंग से रखा गया था कि एक डेट में एक समय सभी डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, जो कि हिंदू महासभा से लगभग सभी डीएम को ज्ञापन दिया जा चुका है। और यदि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे फिर हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, रोड पे आएंगे और फिर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपकी क्या तैयारी रहेगी? अखिल भारत हिंदू महासभा किसान मोर्चा की तरफ से सबसे पहले 9 मई को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कि किसान आयोग का गठन किया जाए। आज हार्ड कॉपी में जो है समस्त जिलाध्यक्ष ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ दे चुके हैं और इसके बाद हम लोगों की तैयारी है कि अभी लगभग एक हफ्ता 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि इतने दिनों में हमको जो है सूचना प्राप्त हो मिले कि क्या हो रहा हमारे ज्ञापन में जो हमने दिया है किसान आयोग को गठन करने के लिए, क्या कार्रवाई हो रही है। अगर कुछ नहीं आता है तो माननीय मुख्य प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, लखनऊ राजधानी में एकत्रित होकर के एक बार और ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्ड कॉपी के तहत। तो किसानों को लेकर प्रमुख मांगे क्या हैं आपको? अभी तो हमारी मुख्य मांग है कि किसान आयोग का गठन हो। सबसे पहले तो इस पे हमें जो है सरकार का हम जवाब चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है और आगे क्यों जो हमारे ज्ञापन के बाद क्या कह रहे हैं, तो अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं जवाब के लिए। इसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पुनः सौंपा जाएगा। तो आज हम लोग आए थे डीएम कार्यालय में, जहाँ पे अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया किसान आयोग के गठन के लिए। तो वो तो आगे देखा जाएगा किस तरीके मुख्यमंत्री जी इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जारी लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।